नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अमिताभ बच्चन तथा रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय ने अपने 5 दिनों में कितना कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर लिया है। और दोस्तों, आज अपने 6ठे दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो दरअसल दोस्तों, गुड बाय फिल्म से जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें तो गुड बाय फिल्म पूरा नहीं कर पाई है। कलेक्शन के मामले में फिल्म काफी पीछे रही है। अब इसके कई कारण है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार डिटेलिंग अपने वीडियो में दे चुका हूँ। जो भी हो दोस्तों, कई लोगों को फिल्म बहुत ही बेहतरीन लगी है और किसी को फिल्म पसंद नहीं आती है। सभी फिल्मों के साथ ऐसा होता है। तो गुड बाय फिल्म को ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया दर्शकों का, और ज्यादा अच्छा समर्थन नहीं मिल पाया, ज्यादा अच्छे स्क्रीन्स भी नहीं मिले थे। आपको बताया, मैंने बताया था आपको कि करीब 800 के करीब स्क्रीन्स इसको भारत में मिले और करीब 300 स्क्रीन्स ओवरसीज में, तो करीब 1100 स्क्रीन्स पे फिल्म रिलीज की गई है। तो बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन तो फिल्म को नहीं मिला है। 20 से 25 करोड़ रुपए फिल्म का बजट है। पहले दिन फिल्म को 1.20 करोड़ रुपीज के आसपास कलेक्शन मिला, जो काफी कम था। एक उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन इतना कलेक्शन नहीं मिल पाया था। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में सैटरडे के कारण कुछ ग्रोथ हुआ, करीब 40% का ग्रोथ देखा गया और 1.40 करोड़ रुपीज के आसपास इसका कलेक्शन आया। तीसरे दिन दोस्तों संडे को फिर से फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ हुआ, लेकिन ये ग्रोथ बहुत कम था, केवल 5% का ग्रोथ हुआ। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि संडे को फिल्म बहुत बड़ा जंप लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और संडे को फिल्म का कलेक्शन आया 1.57 करोड़ रुपीज। दोस्तों मंडे को आप जानते हैं वर्किंग डे के कारण ज्यादातर फिल्मों के कलेक्शन में ड्रॉप होता है, तो यहाँ पर भी गुड बाय के कलेक्शन में भी काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। करीब 60% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला मंडे को। और दोस्तों कलेक्शन आया 0.60 करोड़, मतलब 60 लाख रुपए का कलेक्शन पूरे देश भर से इस फिल्म ने मंडे को किया। जहाँ तक दोस्तों बात करें ट्यूजडे की, यानी कल की, तो दोस्तों कल इस फिल्म के लिए कलेक्शन अच्छा कहा जा सकता है कुछ मामले में, क्योंकि कल अमित जी का जन्मदिन था। आप जानते हैं 80वां जन्मदिन था और इस दिन फिल्म की प्राइस केवल 80 रुपये रखी गई थी, तो इसका कुछ फायदा फिल्म को मिला और करीब 60 से 70 लाख रुपये के करीब इस फिल्म का कलेक्शन कल का रहा है। तो दोस्तों करीब 19% की जंप कल कलेक्शन में देखी गई है। तो इस प्रकार गुड बाय फिल्म का जो प्रथम 5 दिनों का जो कलेक्शन है वो 5.47 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया है, जो काफी कम है। और दोस्तों जहां तक इसके ग्रोस कलेक्शन की बात करें कि 5 डेज का इंडिया ग्रोस कलेक्शन कितना हो गया, तो ये हो जाता है 6.80 करोड़ रुपीज। 5 दिनों में 1.40 करोड़ रुपीज के आसपास कलेक्शन इसका ओवरसीज से भी आ गया है। तो इस प्रकार से 5 दिनों का जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो हो जाता है 8.20 करोड़ रुपीज। और दोस्तों जहां तक आज की बात करें, तो आज ये फिल्म करीब 40 से 50 लाख रुपए का कलेक्शन करने वाली है। इससे ज्यादा कलेक्शन आज नहीं कर पाएगी फिल्म। तो इस प्रकार अगर आज का कलेक्शन भी इसमें ऐड कर दे, तो गुड बाय फिल्म का कलेक्शन करीब करीब 5.97 करोड़ से 6 करोड़ रुपए के आसपास, 5.90 से 6 करोड़ रुपए आप मान सकते हैं कि ये 6 दिनों का इसका कलेक्शन होगा। तो काफी कम है, काफी कमजोर कलेक्शन है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सफल होना तो अब किसी भी हालत में संभव नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फिल्म का बजट काफी ज्यादा है और 14 तारीख को अभी 2-3 फिल्में रिलीज हो रही है। कंतारा आ रही है, डॉक्टर जी आ रही है, कोड नेम तिरंगा आ रही है, उसके बाद में दोस्तों राम सेतु आ रही है, थैंक गॉड आ रही है, तो काफी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है। और इस समय बॉक्स ऑफिस पर पोनियन सेल्वन का भी धमाका चल रहा है, विक्रम बेदा चल रही है। तो इस प्रकार से अब गुड बाय के लिए ज्यादा उम्मीदें नहीं है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हुई है। दोस्तों फिलहाल इतना ही। आपको ये सब जानकारी कैसे लगी बताइएगा, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।